Assalamualaikum viewers, welcome हो चुका है आपका हमारे YouTube चैनल रुशीज किचन में। और आज रुशीज किचन में क्या बनने वाला है मम्मी से पूछ लेते हैं। तो आज क्या बना रहे हैं? Assalamualaikum viewers, welcome हो चुका है आपका रुशीज किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं 4-step बिरयानी, जिसको बैचलर बिरयानी भी कह सकते हो आप। तो चलो, बहुत ही झटपट इजी और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलो देखें किस तरह बनता है रुशीज किचन में। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम चिकन से। इंग्रेडिएंट्स में, तो चिकन में मैंने ली हूँ 1/2 किलो बोनलेस चिकन ली हूँ, देख सकते हैं जैसे आप। और ली हूँ सूखे मसाले, तो ये है धनिया जीरा पाउडर 3 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, और ये है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और ये है कुछ खड़े गरम मसाले जो मैरिनेशन में हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये है बादियान फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग। और हमने लेना है चावल, बिरयानी के चावल जो रहते हैं वही चावल लेंगे हम। 1/2 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 1/4 किलो चावल ली हूँ बिरयानी के। और हम इसको अच्छे से धोकर भिगा देंगे 1/2 घंटे तक के। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ, इसके वज़न के हिसाब से ये 1/4 किलो टमाटर है। और ये कांदा है जो छिलने के बाद 1/2 किलो है, कटिंग करने के बाद 1/2 किलो है ये प्याज। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। और ये दही है, दही मैंने ली हूँ 200 ग्राम। और ये लेमन जूस है, 1 लेमन जूस, 1 बड़ा वाला नींबू था उसका मैंने जूस निकाल कर रखी हूँ। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो चलो सबसे पहला कर लेंगे हैं मैरिनेशन, जो सबसे फर्स्ट स्टेप बिरयानी का अहम स्टेप है। तो सबसे पहला हमने ले लेना है घी या तेल। घी लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी और ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो बस मैंने 2 चम्मच घी ली हूँ। इसमें हम मिलाएंगे हमारे सूखे मसाले, धनिया जीरा पाउडर, लाल मसाला और हल्दी। और 1 चम्मच हमने मटन मसाला लेना है या बिरयानी मसाला, अच्छा जो आपने हमेशा वापरे होंगे, इस्तेमाल करते होंगे ना, वही मसाला लेना है। इसमें हम ऐड कर देंगे नींबू जूस हमारा, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से क्या होता है ना, ये चिकन में चर्बी नहीं रहती है, तो घी है ना वो मज़ा देती है चिकन में। और ये है गरम मसाले जो मैं इसमें डाल दूँगी, साबित गरम मसाले। और इसमें डाल दूँगी मैं दही। दही कितनी है? दही मैंने बताई हूँ बेटा 200 ग्राम है। इसको हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें नमक ऐड कर दूंगी मैं, 1/2 किलो चिकन के हिसाब से, मसाले के हिसाब से नमक मिला रही हूँ। आप आपके हिसाब से नमक मिलाना, कितना चिकन मसाला है आपका वो हिसाब से। आपको मैं एकदम बेस, अगर आप दिमाग में रख लोगे ना कि बिरयानी में सब में बेस क्या है, कि कितना चिकन है, कितना चावल है और प्याज कितना लेना है। जितना चिकन है 1/2 किलो वही हिसाब से हमें प्याज लेना है। और उससे अगर थोड़ा ज़्यादा आपको चावल लेना है, जैसे कि मैंने 1/2 किलो में 1/4 किलो चावल ली हूँ, तो एकदम परफेक्ट माप है ये भी। और आपको बस मैरिनेशन पे ध्यान देना है कि किस तरह हमें मैरिनेशन करना है चिकन को, और किस तरह चावल को पकाना है, और फिर किस तरह हम उसकी तह लगाएंगे और दम पे देंगे। तो इसीलिए इसका 4-step बिरयानी का रेसिपी का नाम डाली हूँ, खासकर बैचलर लोग के लिए, खासकर जो बच्चियाँ शादी कर अपने घर में जब पहली बार जब खाना बनाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर अच्छे से वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप करे, तो आपको एकदम बिरयानी आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, और आपको कोई इसको मुश्किल नहीं लगेगी, और आप आसानी से और फ्री माइंड होके आपकी रेसिपी बना सकते हो। तो जैसे सबसे पहले आपको मैरिनेशन को अच्छे से समझ लेना है कि मैरिनेशन हमें किस तरह करना है, और जितना मैरिनेशन अच्छा करोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा बिरयानी की टेस्ट का।
टमाटर ली हूँ मैंने पाव किलो, क्योंकि दही भी है लेमन जूस भी है तो वो हिसाब से पाव किलो टमाटर ली हूँ। और मैं ये टमाटर को सिर्फ बॉईल करके जब हम बिजिस्ता बनाएंगे उसके साथ इसको पीसूंगी, तो वो वाला स्टेप भी आपको बताऊंगी, वो सबसे बेस्ट स्टेप है और वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है बिरयानी और बहुत लजीज बिरयानी बनती है, उसका एक रिच फ्लेवर आता है, तो वही हिसाब से बताऊंगी। अब मैंने ले ली केवड़ा वाटर, ये है रोज वाटर, गुलाब पानी में हम बस एक से दो ड्रॉप खाली केवड़ा एसेंस के मिलाएंगे, बस ज्यादा नहीं। और इसमें हम मिला देंगे ऑरेंज फूड कलर, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर मिला देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये भी हमारे मैरिनेशन में हम ऐड कर देंगे, इससे कलर भी अच्छा आएगा हमारी बिरयानी को, मैरिनेशन को, चिकन को, और एक भटियार जैसी आपको बिरयानी भी मिल जाएगी। भटियार लोग भी ये स्टेप ही इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बनाते हैं। तो अगर पहली बार भी अगर बनाना है बिरयानी आप बना रहे हो तो परफेक्ट और अच्छी बनेगी जब आप देखोगे हमारा रूशीज किचन और बिना की स्किप किए हमारा वीडियो। तो अब बिस्मिल्ला बोल के हमारे चिकन को हम इसमें मिला देंगे, जितना हो सके ना बोनलेस चिकन लेना, क्योंकि बोनलेस चिकन से ही यानी कि फायदा रहता है ज़्यादा, वो जो अपन लेते हैं ना डायरेक्ट हड्डी वाला वो कुछ मतलब का नहीं रहता है। मैं हमेशा बोनलेस जितना हो सके इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी में। तो इस तरह हमें हमारे मैरिनेशन को कर देना है। स्टार्टिंग में मैंने इसमें घी डाली थी, देसी घी डाली थी, अगर आप चाहो तो उसके बदले ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन घी का एक अपना टेस्ट रहता है जिसको वो उसकी शान बढ़ जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताई हूँ। अगर स्किप नहीं करोगे तो बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार होगी आपकी। तो ये हमारा मैरिनेशन हो चुका है तैयार। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि इसमें मैंने डाली हूँ, पहले सबसे पहला मैंने डाल दी हूँ इसमें देसी घी 2 चम्मच, टेबलस्पून जैसे ऐसे टेबलस्पून रहते हैं ये वाला। और इसके बाद मैंने इसमें डाली सूखे मसाले, नींबू का जूस डाली हूँ, दही डाली हूँ और गोश डाली हूँ, और फिर मैंने रोज़ केवड़ा वाटर का एसेंस और मिक्स करके कलर, और मैं वो भी मैरिनेशन में ऐड की हूँ। और इसके बाद नमक डाल के इसको मैं, और इसमें सूखे गरम मसाले में बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, क्योंकि बाकी के खड़े गरम मसाले वो जाएंगे चावल में। अब इसको करेंगे मैरिनेशन के लिए, रेस्ट करने रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। जब तक मैं आपको बता देती हूँ चावल भी हम किस तरह धोकर भिगा देंगे। तो जैसे देख सकते हो आप, मैंने चावल को माशाल्लाह से अच्छे से धोकर लाई हूँ और इसको मैंने भिगा दी हूँ, पानी पूरा साफ है, 3 से 4 पानी में धोना है, और इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगा कर रख दूंगी। तो ये अपनी प्याज कितनी है माँ? ये प्याज हमारी 1/2 किलो है छीलने के बाद। ठीक है, तो बाजार से अपन 1/2 किलो चिकन लेंगे तो 1/2 किलो प्याज भी लेना है? नहीं यही सबसे गड़बड़ हो जाती है हमें, जब हम मार्केट जाएंगे तो हम ऐसा, अब जब 1/2 किलो चिकन लिए तो हम 1/2 किलो प्याज नहीं लेंगे मेरा बच्चा, हम प्याज लेंगे 1 किलो, थोड़ी सी बच जाएगी तो घर पे रख लेना, क्योंकि इसमें जब हम छीलते हैं पौरव हम, तो छिलके का कचरा भी अलग निकल जाता है। हाँ। तो वो हिसाब से हमें प्याज ज़्यादा लेना है। फिर अगर आप लोग 1/2 किलो प्याज लाओगे उसको छीलोगे तो 100-200 ग्राम कचरा चला जाएगा छिलका उसका, फिर आप सोचोगे इसमें से ही कचुम्बर बना लेते हैं 2-1 प्याज कट करके। हाँ। तो आपका मैरिनेशन पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। तो आप ऐसा कभी नहीं करना, मतलब कि प्याज थोड़ा ज्यादा ही लेना। हाँ, और अगर वजन करना भी है तो काटने के बाद करेंगे तो सही रहेगा। हाँ, तो जैसे आप 1/4 किलो का प्याज उठा लो, 1/4 किलो प्याज ले लिए। हाँ। तो 1/4 किलो में से छिलका निकल गया 100-200 ग्राम, तो आपको बराबर हाथ में आ जाएगी। हाँ, फिर उसी में से कचुम्बर के लिए मत निकालना कचुम्बर के लिए जब एक, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला 1 किलो प्याज ले लेना, तो कचुम्बर के लिए अलग से निकालना। फिर आप सोचेंगे कि चलो मैंने इतना छील ली अब इसमें से 1 छोटा 2 प्याज निकाल के कचुम्बर बना दूं, तो आपका मैरिनेशन पूरा गड़बड़ जा जाएगा। तो मोस्ट टाइम आप ऐसा मत करना, तो इसीलिए प्याज हमें पूरा अच्छे से लेना है 1/2 किलो। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें प्याज को करेंगे इसको
तेल में भूनेंगे, इसका बिरिस्ता बनाएंगे। तो मिलती हूँ बिरिस्ता बनाने के बाद। जब तक हमारा चिकन भी मैरिनेशन होने पे है और टमाटर को भी हमें उबाल लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। तो हम करते हैं बिरिस्ते से शुरुआत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल डाल देंगे हम। तेल भी आधा किलो रहेगा। आधा किलो चावल है अपना, पौना किलो, वो हिसाब से हम तेल ले लेंगे। 350 ग्राम जितना ले लेंगे, आधा किलो के अंदर ही, ज़्यादा नहीं। पहला बिरिस्ता बना लेते हैं, फिर देखते हैं कितना तेल बचता है उसमें। जब प्याज काटो तो उसको हाथ से चूर के उसको रेशा रेशा कर लेने का, प्याज को अलग अलग कर लेने का। अलग अलग करने के बाद उसको हम डाल देंगे गरम तेल में और छोड़ देंगे बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए। और ये जो मैंने टमाटर को आपको बताई थी, पानी रख दी हूँ मैंने तपेली में गरम करने, इसमें हम टमाटर छोड़ देंगे हमारे 2 से 3 मिनट के। जब एक उबाल आएगा टमाटर की स्किन पूरी पूरी ऐसा एकदम, हाँ तो बस उतना ही हमें बॉईल करना है टमाटर। टमाटर बॉईल हम इसके लिए करके डालते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट आता है जब हम इन दोनों को यानी कि बिरिस्ते को और टमाटर को मिक्स करके पीसते हैं और वो जो ग्रेवी बनती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त अपनी ग्रेवी वाली बिरयानी तैयार होती है इससे। तो इसीलिए मैं आपको बैचलर में ये वाला स्टेप दिखा रही हूँ और एकदम बहुत ही ये बेहतरीन बिरयानी बनाने वाला स्टेप है। तो ये आप बिना स्किप कीजिए जरूर, क्योंकि काटने में भी आपको वही टाइम जाएगा और बस एक उबाल आने तक बस इसका स्किन रिमूव करना है और आधा प्याज लेके इसको बस आपको पीस लेना है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत काम नहीं है, ताम झाम वाला कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। जैसे देख सकते हो आप माशाल्लाह से बिरिस्ता हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे तेल में से। स्लो कर देंगे गैस को और इसको हम निकाल देंगे। दबा देंगे साइड में। आधा घंटा हो चुका है चावल भिगाकर, तो पानी को रख दी हूँ मैंने गरम करने के लिए। अब मैं इसमें सबसे पहला डालूंगी शाहजीरा 1 चम्मच भरकर और 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा और दालचीनी का टुकड़ा और हरी मिर्च मैं ये इतनी डाल रही हूँ 5 से 6। आपको कितना तेज लगेगा उतना आप डाल सकते हैं। और इसको हम जोश आने देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे तेज पत्ता। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक चावल के हिसाब से। तो हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, नमक डाल दी। अब इसको उबाल आने तक इसको रुक जाएंगे। अब आप आएंगे हमारे ग्रेवी की तरफ, चिकन की ग्रेवी किस तरह बनानी है। तो तेल को रख दी हूँ मैंने, हमारा स्लो ही है, तेल तो गर्म ही है हमारा। तो बिरिस्ते के बाद इतना तेल बचा है तो इसमें मैं और 1 चम्मच तेल ऐड कर दूंगी। बिरिस्ता दे बेटा उठा के वहां से, ठीक है। तेल हो चुका है हमारा गरम। अब हमारा मैरिनेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड कर लेंगे गोश्त को, रख देंगे पकने के लिए चिकन को हमारे। और जो हमने टमाटर इधर उबाल के रखे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो हमने टमाटर का छिलका निकाल कर
दो टुकड़े कर मिक्सर जार में डाल दिए हैं। और ये जो हमारा बिरिस्ता है ये भी हम इसमें डाल देंगे, ठंडा होने के बाद, हाँ गरम नहीं पीसना है, ठंडा। और इतना मैंने रख दिया, ठीक है। अब हम इसको पीस लेंगे, तो इसको मिलते हैं पीसने के बाद। तो शिफा का काम आ गया पीसने का। चलो शिफा, पानी जैसे हम चावल का पानी रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, मसाले डालकर, खड़े मसाले। अब चिकन को भी रख दिए हैं बना पकाने के लिए, पकने के लिए स्लो गैस पर। जो हमारा मैरिनेशन था मैंने डाल दी हूँ इसमें, और इसको हम ढाक कर पकाते रहेंगे स्लो गैस पर, यानी मीडियम टू स्लो। तो जैसे मसाले को, ये चिकन को हमने मैरिनेशन को पकाने के लिए रख दिए हैं ढक्कन ढक कर। और ये है हमारा सेकंड स्टेप, और ये है हमारा थर्ड स्टेप, जो पानी उबालने के लिए रखे हैं हमने खड़े गरम मसाले डालकर, ठीक है। ये सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था मैरिनेशन, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और फोर्थ रहेगा जो हम इसकी तह लगाएंगे और उसको दम पे देंगे। तो जब तक पानी में उबाल आता है तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये जो गिरिस्ता और हमने टमाटर पीसे थे, अब हम इसको ऐड कर देंगे और इसको भी पकाने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे चावल कुक होते हैं, तैयार होते हैं, जब तक गोश्त हमारा पकता रहेगा, चिकन जो हमारा पकता रहेगा हमारे मैरिनेशन में और हमारे मसालों में, और जो हमने पीसे हैं टमाटर, ग्रेवी, प्याज, से अच्छे से पकता रहेगा। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 5 मिनट के इसको पास रखेंगे, तो जो भी पानी छूटेगा ना, जो टमाटर का है दही का, तो वो हटने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसको स्लो मीडियम पे पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे पानी में बॉईल आ गया है, इसको ढककर पकाएंगे मसालों को मीडियम गैस पर। माशाल्लाह पानी नमक डाल दी हूँ मैंने इसमें, और इसमें सिर्फ डालना है हमें सिरका। इसको हम 70% तक कुक कर लेंगे चावल को, इस तरह से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 ढक्कन डाली हूँ 1.25 किलो चावल के हिसाब से, 1.25 किलो चावल के हिसाब से 2 ढक्कन मैंने सिरका डाल दी इसमें। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। नमक पहले ही डाल दी थी, अब इसको हम एक उबाल आने तक रुकेंगे। और हमारा मसाला भी जैसे आप देख सकते हो मीडियम टू स्लो पे मैं रखी हूँ पकने के लिए, ठीक है। माशाल्लाह से पक रहा है, हम थोड़ी थोड़ी देर से चेक करते रहेंगे पक रहा है अच्छे से, कितना कम कितना पानी ज़्यादा हुआ है। और बारीक कटी हुई कोथमीर इसमें अब मैं डाल दूंगी। और अब इसको हम फास्ट करके पकाएंगे थोड़ा। और अब खुशबू आना ही शुरू हो गई है बिरयानी की, चावल पक रहा है और मसाला भी पक रहा है, तो खुशबू लाजमी है आना, क्योंकि मसाला तेल अलग हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसको सिर्फ सूखा करना है थोड़ा सा, और चावल भी उबाल आ चुके हैं अंदर, लेकिन ये हुआ है 50% तक, हमें और इसको 30% पकाना है। तो ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप रहेगा दम बिरयानी को, जब दम देंगे और उसकी परत लगाएंगे
तो वो फोर्थ स्टेप रहेगा। तो ये फोर्थ स्टेप वाली बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके हमको बताना, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल रूशीज किचन को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो और आगे बने रहे हमारे साथ इसी तरह। तो जैसे देख सकते हैं आप चावल 70% तक अच्छे कुक हो गए हैं। एक दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए बस इतना ही पकाना है। अब हम इसका पानी कर देंगे डिस्कार्ड। तो पानी निकालने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ, तो पानी निकाल देती हूँ मैं। देख सकते हैं आप चावल को मैंने अच्छा पानी निकाल दी हूँ, और जो इसमें हमने खड़े गरम मसाले डाले थे जैसे कि तेज पत्ते, वो सब मैंने निकाल दी फोक के ज़रिए। ऐसा हम फोक के ज़रिए ऐसा देखने का, क्योंकि उनका अर्क तो निकल गया है ना, मसाला जो मसालों का अर्क है वो पानी में मिल जाता है, उसके बाद ही मसालों का कुछ काम नहीं रहता है। तो हम इसको निकाल लेने का, तो इसी तरह फोक की मदद से चावल भी नहीं टूटेंगे और हमारा मसाला अच्छे से निकल जाएगा। जो हमने मिर्ची डाले थे इसमें साबित मिर्ची, वो भी सब मैंने निकाल दी। एक आध कोई होगी तो अंदर उसको हम रहने देंगे, बाकी सब निकाल दी हूँ। मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, हमारा सेकंड स्टेप अच्छे से तैयार हो गया है हमारी ग्रेवी। तो जैसे कि बैचलर लोग परत ज़्यादा नहीं बिछाते हैं, डायरेक्ट मसाले के ऊपर चावल डाल देते हैं, तो वो हिसाब से मैं जो पूरा मसाला इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। और अगर आपको दो परत की बिरयानी बनानी है तो थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे हम, और फिर चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा मसाला बिछा देंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे। और जितना भी गोश्त है ना, जो गोश्त चिकन के पीस है ना हमारे, उसको हम इस तरह है ना साइड में कर देंगे। तो जैसे हम ऐसा चावल डाल के निकालेंगे तो चिकन भी साथ में आ जाएगा। दो तीन पीस हम बीच में रखेंगे, बाकी के पीस हम साइड में कर देंगे, क्योंकि हमेशा हम जब चिकन निकालते हैं तो ऐसा साइड में से चावल खड़ा चम्मच ऐसा डाल के फिर यूं निकालते हैं, तो उससे चिकन भी साथ में ऊपर आ जाएगा मसाले के साथ। तो इतना मैंने मसाला निकाल ली, अब हम चावल की परत को बिछा देंगे इस पे। तो एक हम छोटी प्लेट ले लेंगे पहला। तो अगर आप चाहो तो चम्मच से इस पे चावल लगाएंगे, या तो फिर मैं ऐसा हाथ प्लेट से ही लेती हूँ हमेशा। बिस्मिल्लाह, मेरे को प्लेट से ही जमता है। अगर आप ऐसा चावल का चम्मच है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमता है, तो मैं प्लेट ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको प्लेट से बता देती हूँ। चावल को पहले हम अच्छे से खोल लेंगे ऐसे, पूरा आधे चावल लगा देने का, आधे चावल लगा लेंगे। ये हो गई एक परत, और इसके बाद जो हमने मसाला निकाले हैं ये वाला, इसको हम इस पे डाल देंगे अच्छे से। ये थोड़ी प्याज हम इस पे बिछा लेंगे ऐसे, और इसके बाद जो ये हमारे चावल है आ
आधे चावल जो हमने रखे हैं अच्छे से खोल देंगे चम्मच मार के। दूसरी लेयर, तो ये हमारा थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है चावल की परत लगाना। ये हमारा फोर्थ स्टेप पूरा हुआ। अब वो बची हुई प्याज थोड़ी सी जो रह गई थी वो इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें करेंगे ऐड कलर, फूड कलर, अगर आपको करना है तो करो और स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ी सी कोथमीर और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा घी, देसी घी, बहुत मजे का लगता है इसका टेस्ट। तो ये बैचलर बिरयानी का फोर्थ स्टेप हो गया पूरा। फर्स्ट स्टेप था मैरिनेशन, सेकंड स्टेप था हमारा मैरिनेशन को किस तरह पकाना है, और थर्ड स्टेप था सेकंड स्टेप था मैरिनेशन को पकाना, ग्रेवी तैयार करना, और थर्ड स्टेप था हमारा चावल, और ये फोर्थ स्टेप था हमारा चावल की परत कैसे लगानी है बिरयानी पर और किस तरह सेट करनी है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको देंगे ढक्कन। तो ये ढक्कन अच्छे रिजल्ट के लिए मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि एक कपड़ा हमें ढक्कन पर लगाकर इसको हमें देना है ढक्कन, तो जिसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है चावल का। तो इस तरह से हम कपड़ा लगा देंगे हमारे ढक्कन पर और इसको रख देंगे दम के लिए। इस पर कोई वजन रखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें उसको दम पे रखेंगे हम। जब हमारे चावल कितने थे 70% कुक थे शिफा, तो अब हमें कितना कुक करना है दम पे देना है 30%। तो 30% के हिसाब से हम कितना रखेंगे दम पर, 10 मिनट स्लो गैस पर। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुकी है दम देके, और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे देख रहे हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये है बैचलर बिरयानी, फोर्थ स्टेप बैचलर बिरयानी। रूशीज किचन पर जरूर देखें हमारा वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक देना बिल्कुल लाजमी, जरूर देना लाइक। ऐसी बिरयानी पे तो लाइक बनता है गाइस। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बनी है, अभी आपको शिफा टेस्ट कर बताएगी बिल्कुल। अगर हमारा इस रेसिपी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रूशीज किचन को। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है हमारी बैचलर बिरयानी, फोर्थ स्टेप बिरयानी, और माशाल्लाह से काफ़ी जायकेदार ये लग रही है। और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं इसमें तो इसको हम डिश आउट करेंगे और शिफा को खिलाएंगे, और शिफा बताएगी इसका जायका
तो ये फोर स्टेप बिरयानी, जो बैचलर बिरयानी भी बोल सकते हो इसे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, रूशीज़ किचन को। और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी है। फोर स्टेप इसके लिए मैंने बताई हूँ कि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बिरयानी समझ में आनी चाहिए बनाने के लिए। तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको जब आप पूरे फोर स्टेप देखोगे तो बिल्कुल आप परफेक्ट बिरयानी बनाने लगोगे। हाँ, और जो भी बैचलर इसे फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो बना के कमेंट भी ज़रूर करें कि आपकी बिरयानी इतनी ही बेहतरीन और लजीज बनी है, कैसी बनी है, कमेंट ज़रूर करना। तो चलो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो हमारे चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल चुका है, हमने इसको मैरिनेट करके रखे जी मैरिनेशन, इसीलिए मैंने इसको फोर स्टेप दी हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले हम तो अब हम भी खाते हैं। चिकन काफ़ी ज़्यादा जूसी भी है और एकदम सॉफ्ट है माशाल्लाह से, एकदम दाने दाने वाले चावल है। तो आइए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे फोर स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बिरयानी एकदम परफेक्ट बनाने आ जाएगी इंशाल्लाह से, बिना स्किप किए। अगर वीडियो चेक करोगे और देखोगे मेरा तो आप ज़रूर ऐसी ही बिरयानी बना पाओगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत जायकेदार है, हर एक दाने में जो है इसका जायका आ रहा है। और बहुत एकदम ना इसका मैरिनेशन काफ़ी ज़्यादा अलग और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। क्योंकि मैंने जब आपको बताया था ना, जो मैं टमाटर जो मैं इसको बॉईल कर मैं जब मिक्स करके पीस कर हम इसमें मिलाते हैं ना, तो ये रिच फ्लेवर उसी से आता है। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर फॉलो करना और फोर स्टेप पूरा कंप्लीट देखना रेसिपी का। और फोर स्टेप बिरयानी जो है वो ज़रूर आप आपके घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जैसे आप ना भटियार से मंगाते हो, हम जब खाना ऑर्डर करते हैं जो बिरयानी बन के आती है बिल्कुल वैसी ही बनी है, काफ़ी ज़्यादा लजीज है। मैं तो कहूँगी आप इसे ज़रूर 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 ट्राई करें। और जैसा मम्मी ने बताया है सारे स्टेप फॉलो कीजिए मैरिनेशन में, और उसको कैसा कुक करना है जो मम्मी ने वो बिरिस्ता और जो टमाटर उबाल के डालना है वो बताया, वो भी आप ज़रूर कीजिए। तो चलो हम खाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रूशीज़ किचन।